नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं निर्मल सिंह पांडे को कन्वीनर भटियात सभा। आप तमाम लोगों से इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करूंगा कि आने वाले समय में अभी 28 नवंबर 2021 को हम एक भटियात में एक मुहिम छेड़ने जा रहे हैं, जिस मुहिम के तहत जो भटियात में प्लांटेशन का मुद्दा रहा है, जो प्लांटेशन की गई है मनरेगा के तहत और जिसकी करोड़ों के हिसाब से पेमेंट जो है वो ब्लॉक से की गई और कोटेशन जो कॉल की गई थी वो भी ब्लॉक से की गई थी और उन प्लांट के मुद्दे पर इतनी वेरिएशन है, इतनी चेंजिंग है कि एक प्लांट में 60 या 80 रुपए का फर्क है। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रेट है उसमें एक स्मॉल प्लांट का रेट जो है 21 रुपए है, पर हमारे वीडियो साहब जो है भटियात वीडियो वो जो कोटेशन कॉल करते हैं वो टाउन प्लांट की करते हैं, हाइब्रिड प्लांट की करते हैं। हम प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं, इसके लिए हमने पहले कॉरेस्पोंडेंस भी किया है जो सीनियर अधिकारी हैं हमारे, कि हमारी एक सिंपल सी इंक्वायरी करवाई जाए जिसमें कि पैरेलल एजेंसी जो है फॉरेस्ट को बनाया जाए और फॉरेस्ट हमारे को एसोसिएट करते हुए वहां जाए और ये रिपोर्ट करे, ये रिपोर्ट दे कि क्या वहां जो फॉर एग्जाम्पल अगर देवदार का प्लांट लगा हुआ है तो क्या वो हाइब्रिड प्लांट है या वो स्मॉल प्लांट है। हम चाहेंगे ये प्लांटेशन के मुद्दे पर, इसके बाद इंटरलॉकिंग के टाइल के मुद्दे पर, जो भटियात में जितने भी काम हुए हैं और जिस तरह से फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है और जिस तरीके से पैसे का जो लीगल तरीके से उसको लीगल करने की कोशिश की गई है, बहुत बड़ा स्कैम जो है करोड़ों के हिसाब से यहां भटियात में हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको उजागर किया जाए। हम ये भी स्पष्ट करना चाहेंगे भटियात सभा के बैनर तले कि ऐसी कौन सी दिक्कत है कि लोगों के इतने विरोध करने के बावजूद, कर्मचारियों के इतने विरोध करने के बावजूद एक कर्मचारी को 2.5-3 साल से यहां रखा जा रहा है और कौन सा पॉलिटिकल संरक्षण उनको मिला हुआ है कि उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई आज तक नहीं हो रही है। क्या इस प्लांटेशन के मुद्दे में, इंटरलॉकिंग टाइप के मुद्दे पर क्या कहीं राजनीतिक जड़ें कहीं और तो नहीं जुड़ी हुई है कि पैसा जो है कहीं और भी कमा कर दिया जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि आप तमाम लोग इस जन मुद्दे को लेकर, हम बहुत जल्दी भटियात की जनता को, भटियात के आवाम को एकजुट कर रहे हैं और आने वाले समय में एक आंदोलन की शुरुआत 15 दिसंबर के बाद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप तमाम लोग हमारा साथ देंगे और इसके पीछे का जो पॉलिटिकल संरक्षण ऐसे अधिकारी को मिला हुआ है वो भी हम एक्सपोज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।